हमीरपुर के गांव चौकी में सड़क सुविधा बहाल न होने पर ग्रामीणों ने गहरा रोष व्यक्त किया है। हालांकि इस बाबत ग्रामीणों ने उपायुक्त हमीरपुर को भी गत दिनों ज्ञापन सौंपा था, लेकिन फिर भी सड़क सुविधा बहाल नहीं हो सकी है। वहीं सड़क सुविधा की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन गाँव में किया, जिसमे सभी गाँव वासियों ने सड़क बनाने के लिए अपनी सहमति दी है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क सुविधा नहीं है और अब ग्रामीण सड़क बनाने के लिए एक सहमत हो गए हैं, जिससे जल्द सड़क गांव में बन जाएगी। ग्रामीण सुभाष चंद, शशि कुमारी, रणजीत सिंह ने बताया कि गांव के लिए सड़क नहीं है और सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को अक्सर परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि कागजों में पक्के रास्ते लगाए हुए हैं, लेकिन सड़क सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो रास्ते कागजों में लगे हुए हैं वही पक्के होने चाहिए। लोगों का कहना है कि टूटे हुए रास्ते पर जाते समय महिला भी गिर गई और उसका हाथ भी टूट गया था। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो रास्ते गांव के लिए कागजों में लगे हुए हैं उसे ही बनवाया जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द गांव के लिए सड़क सुविधा मुहैया करवाई जाए। नाम आपका? मेरा नाम शशि कुमारी। गांव कौन सा? चौकी। समस्या क्या है? समस्या हमारी सड़क की है, और ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ठाकुर रणजीत सिंह जी, इन्होंने अभी मतलब पूरा योगदान दे रहे हैं सड़क निकालने के लिए हमें, और हम भी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो भी रास्ते लगे हैं, जो भी सड़क लगी हमारे गांव को, उसको उसके ऊपर ध्यान दें आके। और अभी जो गांव में वो पूरा गाँव सहमत है, पूरे गांव में इतनी एकता है कि वो आगे जाके उनको बोल सकें, और हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि जो भी रास्ते लगे हैं, सड़क लगी है, सड़क की सुविधा होना बड़ा ही जरूरी है, जो कि हमारे गांव में नहीं है। तो अभी हम बिल्कुल मतलब एकजुट होके सरकार को ये गुजारिश करते हैं कि ये जो रास्ते लगे हैं, ये जो सड़क लगी है, इसको हमें उपलब्ध करवाया जाए और जल्दी से जल्दी हमारी समस्या को हल किया जाए। धन्यवाद। नाम क्या आपका? रंजीत सिंह। क्या समस्या है? समस्या सड़क की है, हमारे गांव को सड़क नहीं है। हमारा गांव बड़ी भारी ऊंची पहाड़ी के ऊपर है और चारों तरफ से हमारे लिए कोई सड़क ये नहीं, सड़क की कोई सुविधा नहीं है, रास्ते भी अच्छे नहीं है, वो ये सड़क निकलना बहुत जरूरी है। कागजों में सड़क है? है? कागजों में सड़क है? कागजों में पक्का रास्ते लगे हुए हैं, सरकारी रास्ते लगे हुए हैं ये, और सड़कें मतलब हर सात तरफ से मतलब 3-3 मीटर रास्ते लग गए हैं। हाँ, जान दे खुशी मिलकी लेती जा, मगर ये जो रास्ते हैं ये पक्के कर दिए जाएं, ये सड़क का काम सर्व कर देंगे। आपकी मांग क्या है? सड़क की, सड़क मिलना चाहिए हमें, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, 75 साल हाँ उम्र हो चुकी है, हाँ चलने फिरने योग्य नहीं भी, हमें सड़क मिलना चाहिए। नाम क्या आपका? सुभाष चंद, गाँव चौकी, पोस्ट ऑफिस मरो, तहसील डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारे गांव में आज तक कोई भी सड़क, सरकारी रास्ता 10 फुट होने के बावजूद भी आज तक हमारे गांव में सड़क की मतलब सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जो कि एक बेसिक सुविधा है। इसमें सरकार को हम क्या बोल सकते हैं, जब हम खुद ही इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि सारे गाँव की सहमति से जो सरकारी रास्ता लगा है, अभी सारे गाँव की सहमति है कि हमें इस तरफ से रास्ता जो है उसको रोड में कन्वर्ट किया जाए, ताकि इस गांव में जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आकस्मिक मतलब कुछ भी होने के ऊपर, ये बहुत दुख की मतलब दुख और दर्द के साथ जो रोड के ऊपर पहुंचे, तकरीबन चारों तरफ रोड जो है इधर 1 किलोमीटर से ऊपर है, तो इनको मतलब चारपाई या किसी चीज़ के ऊपर उठा के लेके जाना पड़ता है, या मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं प्रशासन और सरकार से कि हमें सहयोग करे, हम पूरा गांव एक सहमत है कि हमें जो सरकारी रास्ते हैं उसके ऊपर हमें रोड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद।